आने का कोई मतलब ही नहीं है, सिवाय सफाई कर्मी के, जेल कर्मी के, और इस तरह के लोग आए हैं। तो अब इसको हम देख रहे हैं, चूंकि हमारे जेल कर्मी अधिकारी, उनको भी हिदायत दी हुई है कि कोई बाहर नहीं जाए, वो भी जेल के कैंपस में ही रहते हैं और लगातार डिसइंफेक्ट करके, सैनिटाइज होकर के ही जेल में आते हैं, मास्क और ग्लव्स पहन करके। तो इन किन कारणों से यह आया है, अब इस पर हम जाँच होगी, लेकिन फिलहाल हमें इस महामारी को कंटेन करना है, और इफेक्टिव कंटेनमेंट स्ट्रेटजी के तहत हम लोगों ने पूरी बैरक को खाली करा के सील करा दिया है। सारे बंदियों का टेस्ट करा रहे हैं, जो और भी इनमेट थे उस खाते में, वो करीब 100 की संख्या है जिनका टेस्ट हो रहा है। उनमें प्राथमिकता पर जो बूढ़े हैं और जिनमें कोमॉर्बिडिटी के साइंस हैं, उनको पहले हम कराएंगे और बाद में फिर स्टैगर्ड मैनर में सभी का कराएंगे। एक आखिरी सवाल, इस आगरा जेल में हालांकि अब आप कह रहे हैं कि टेस्ट कराया जा रहा है, बाकी के जेलों के लिए भी क्या कोई गाइडलाइन इश्यू कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी बाहर से सप्लाई चेन आती है, साफ सफाई के लोग जाते ही हैं वहां भी? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि आर्थर रोड जेल मुंबई में भी इस बात को कहा गया है कि वहां भी 70 इनमेट्स वहां पे संक्रमित पाए गए, और पॉसिबिलिटी वहां भी यही कही गई कि सप्लाई एक वीक लिंक है जेलों में। हम लोगों ने जब ये बात आई 6 तारीख को ही, तो ही उस समय एक सर्कुलर यहाँ से कर दिया है कि सप्लाई जो आ रही है उसको डिसइंफेक्ट करके, सैनिटाइज करके ही जेल में लाया जाए, और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम उसको बाहर रखा जाए। इसका पालन शुरू हो गया जब से, जैसे ही आई थी बात, क्योंकि पहले भी हो रहा था, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ कमी रही हो, लेकिन पिछले 8-10 दिनों से सप्लाईज के बारे में हम सजग हो गए हैं, और अपने जो भी जेल के अंदर कर्मचारी अधिकारी आ रहे हैं उनमें भी हम टाइट उस पर रखे हुए हैं, उनको भी उस पर भी कार्रवाई जो हो रही है, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स हो रहे हैं, वो उस पर भी निगाह रखे हुए हैं। थैंक यू सर। तो डीजी जेल हमारे साथ थे, और जाहिर तौर पर आगरा में जो कोरोना संक्रमण मिला है आगरा की जेल में, उसके बाद बाकी की जेलों में भी इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि सप्लाई चेन या फिर जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से, उनको संक्रमण से मुक्त किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में कम से कम जेलों में ऐसे केसेस देखने को ना मिले। कैमरामैन अमित निगम के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।